हेलो जी, नमस्कार। आप सबका स्वागत है जी हमारे इस चैनल हारमोनियम गुरु में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्ड्स के ऊपर। तो कोर्ड्स क्या होते हैं? तो ये कोर्ड्स होते हैं, तो हम देखते आते हैं कि गानों में ये कोर्ड्स बजते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन बटन को और पाए हर एक वीडियो सबसे पहले। हाँ जी, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोर्ड्स के पहले आपको एक जो बेसिक सी बात पता होना चाहिए वो होता है स्केल के बारे में। ठीक है, स्केल क्या होता है? स्केल का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में बात करें तो स्केल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स। आप ऐसे करिए, मैं आपको पेपर के माध्यम से बताता हूँ एक एक चीज़। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो कोर्ड्स आने से पहले जो हमारी जो मेन चीज़ होती है वो होता है स्केल। ठीक है, स्केल जिसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स ऑफ नोट्स। अभी इसको मैं हिंदी में इस मतलब का आपको बताता हूँ, इसका मतलब क्या था। स्केल का मतलब जो मैंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स, जो ये स्केल बोला मैंने, इसका हिंदी में क्या मतलब है? मान के चलिए ये एक स्वर है, इसको हम नोट बोलते हैं। ठीक है, जब हम सारे गामा पादा नीसा जैसे ये बजाया हमने, तो ये देखिए सात बटन हमने, यानी कि सात स्वर इकट्ठे लिए, सारे गामा पादा नीसा, आठ स्वर लिए। जब हम आठ स्वरों को एक सीक्वेंस में बजाएंगे जैसे सारे गामा पादा नीसा, इसको हम बोलेंगे स्केल, यानी कि ये इसका स्केल है। जहाँ से हमने शुरू किया वो स्केल होता है। जब हम पांच से अधिक स्वर बजाते हैं उसको हम स्केल बोलते हैं, जिसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स। ठीक है, तो ये तो होगी बात स्केल की। अभी फिर आता है कोर्ड्स की बात, क्या है जो मेन टॉपिक, जो हमारा मुद्दा है आज, वो है कोर्ड, CHORD, कोर्ड, जो मैंने आपको शुरुआत में कुछ इस प्रकार बजा के दिखाए थे, इस प्रकार। तो ये हमारे जो कोड है, कोड का मतलब होता है जब हम तीन जा चार, जब तीन या चार बटन हम एक साथ दबाते हैं, जैसे ये देखिए ये चार वाला कोड, ये चार बज गए। ठीक है, ये चार बटन मैंने दबाए, तभी ये देखिए इसमें भी चार बजे, फिर अभी तीन बजे, तो इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। ये गाने में ज़्यादातर बजाए जाते हैं कॉर्ड्स। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जब तीन या चार स्वर बजाते हैं इकट्ठे एक साथ, तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी बात आती है कॉर्ड के प्रकार कितने। इसके जो चार प्रकार के होते हैं कॉर्ड, ठीक है, जो कॉर्ड होते हैं चार प्रकार के होते हैं, प्रकार की होती हैं। ठीक है, होते हैं, जा लिख लीजिए। ठीक है, अभी पहला प्रकार है जिसको हम बोलते हैं मेजर कॉर्ड, MAJOR, मेजर कॉर्ड। ठीक है, फिर दूसरा प्रकार है कॉर्ड का माइनर कॉर्ड, MINOR। ठीक है, जो दूसरा प्रकार, पहला प्रकार था मेजर, दूसरा था माइनर, तीसरा है डिमिनिश्ड, DIMNISHED। ठीक है, फिर जो चौथा प्रकार है उसको हम अगमेंटेड कॉर्ड बोलते हैं, AUGMENTED। ठीक है, तो मोस्टली जिन कॉर्ड्स के साथ हमारा काम चल जाता है वो इन दो से ही चल जाता है काम। ठीक है, ज़्यादातर हजारों गाने इसी को दो कोड से निकल जाते हैं। ठीक है, ये कोड हमें कभी कभार, मोस्टली बहुत कम यूज़ करने पड़ते हैं, यूज़ करने पड़ते हैं बट बहुत ही कम, बट जो हमारा काम चल जाता है इन दो से ही चल जाता है, मेजर माइनर से। ठीक है, तो आज की इस डेट में आज हम बात करेंगे खाली सिर्फ मेजर कोड के बारे में, कि मेजर कोड क्या होते हैं। ठीक है, सिर्फ खाली आज मेजर के बारे में बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर कोड क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हारमोनियम पे आते हैं।
सबसे पहले हमने बजाया, जैसे देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो ये मैंने इसमें काला स्केल चुना था पहला। तो अभी अब क्या करते हैं आपको समझाने के लिए, आप ऐसे करते हैं पहला सफ़ेद चुनते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सा, देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा, सारे ही सफ़ेद नोट, यानी कि सारे ही सफ़ेद। इसमें मैंने इसलिए सारे सफ़ेद चुने क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो चलिए अभी मैंने आपको सारे गा मा पा धा नी सा दिखा दिया, चलिए अभी इसको हम लिख लेते हैं। पहला सा रे गा मा पा धा नी और सा, ये जो सा है आगे वाले ऑक्टेव का, यानी कि अगले सप्तक का। अगर मैंने यहाँ से शुरू किया तो सात शुद्ध नोट लिए, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो सात ये आगे वाला हो गया, यानी कि अगले सप्तक का हो गया, ठीक है। तो देखिए अभी इसको हम स्केल कहते हैं, जैसे हम सुनते आ रहे हैं सी स्केल से वो सिंगर उठा रहा है, या फिर डी से उठा रहा है, ई से उठा रहा है, जी से उठा रहा है। तो अभी देखिए सा को हम बोलते हैं सी, ठीक है। फिर जो रे है हमारा, इसको हम बोलते हैं डी, ठीक है। फिर गा को बोलते हैं ई, ठीक है जी। फिर हम माँ को बोलते हैं एफ, पा को बोलते हैं जी, ठीक है। फिर डी को बोलते हैं ए, फिर जो एन बोलते हैं इसको हम बोलते हैं बी, यानी कि जो हमारा नी है इसको बी बोलते हैं। फिर ये जो सा है आपका, यानी कि अगले ऑक्टेव वाला सी है, ऊपर वाले सप्ताह, आप ये ऊपर वाले सप्ताह, इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, आप दिमाग में रखिए कि ये हमारे तार सप्ताह का सी है, ठीक है। अभी देखते हैं हारमोनियम पे, तो क्या लिखा है मैंने, सा रे गा मा पा धा नी सा बजा के दिखाया था मैंने शुरुआत में को आपको, देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा। तो अभी देखिए यहाँ पे सा का मतलब सी, तो ये आपका सी हुआ, ठीक है। रे, ये देखिए रे का मतलब डी, ठीक है। तो आप ऐसे करिए, इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँ, रुकिए ऐसा करते हैं, मैं आपको इस, आपको समझ लग जाएगा अच्छे से, मैं एक काम करता हूँ, रुकिए एक सेकेंड। तो मैंने क्या किया, वो पेज ही पाड़ लिया, अभी इस पेज को हम आधा कर देते हैं ताकि आपको मैं रख के समझा सकूं, ठीक है। अभी देखिए तो क्या है, पहले नंबर पे जो सा है हमारा, पहला सा, इसको सी माना, ठीक है। तो ये रे है, रे डी आ गया, ठीक है। ये ई आ गया, ठीक है। ये एफ हो गया, यानी कि मा, सा रे गा मा, मा पे एफ आ गया, फिर पा पे जी आ गया, फिर धा पे ए आ गया, फिर नी पे बी आ गया, फिर ये सी आ गया, ठीक है। तो ये आपका सारे गामा पादा नीसा हो गया, ठीक है। अभी बात करते हैं खाली स्केल की। अगर मैं कहूँ पहला स्केल, जी आपका जो सी है, तो ये आपका सी स्केल कैसे बनेगा, सी स्केल ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपका सी स्केल है पूरा का पूरा, इसको सी स्केल बोलेंगे, ये पूरा जो है ना, सी डी, सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो ये आपका सी स्केल है, ठीक है। इसको हम सी स्केल बोलेंगे, ठीक है। जो बजाया ना मैंने सारे गामा पादा नीसा, ये मैंने पहले स्केल को चुना है, तो इसको हम सी स्केल बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि डी स्केल कौन सा होगा, तो डी स्केल ऐसे बनेगा, देखिए डी में क्या होगा, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँगा डी से, ठीक है, तो यहाँ से बनेगा सारे गा मा पा धा नी सा, कैसे बनेगा, देखिए सा रे गा मा। आज ऐसे करते हैं, मैं आपको खाली सिर्फ इसके स्केल के, आपको ये सारे ना मेजर नोट्स हैं, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करता, थोड़ा धीरे धीरे बताऊँगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जो चीज़ हम चार लेसन में कवर करनी है वो मैं आपको 10 लेसन में कवर करके बता दूंगा, बट आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी आपने खाली समझा, ये हमारा सारे गामा पा धा नी सा होगा, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, ये जो सारे हैं ना सी डी एफ जी, ये हमारे सारे शुद्ध नोट्स हैं, सारे ही सारे शुद्ध नोट्स हैं, यानी कि सी डी एफ जी सारे ही शुद्ध हैं, सारे स्वर शुद्ध हैं, ठीक है। इनमें कोई स्वर कोमल नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, शायद आपने देखा हो, तो मैंने आपको पीछे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे देखा था हमने कि पहले हम आज करेंगे मेजर कोड। तो मेजर का मतलब होता है सारे शुद्ध नोट्स, मेजर का मतलब जो मेजर कोड्स होते हैं उनमें सारे शुद्ध नोट्स लगते हैं, यानी कि सारे स्वर शुद्ध होते हैं,
स्वर शुद्ध स्वर लगते हैं, ठीक है, ठीक है, सारे स्वर शुद्ध लगेंगे उसमें, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कोड्स। तो मैंने कोड आज मैं आपको बताता हूँ, तो ये देखिए, अगर आपका कोड बनेगा, अगर मैं सी स्केल से कोड बनाऊं तो ये आपका सा गा पा बनेगा, सी, ये आपका तीन वाला कोड बनेगा सा गा पा, तो ये आपका पहला कोड बन जाएगा सा गा पा, ठीक है। आप देख सकते हैं सी ई जी, सी ई जी, और ये बन गया आपका सा गा पा। अगर हम हिंदुस्तानी संगीत में बात करें, हिंदुस्तानी संगीत में बात करें तो वो बनेगा, हिंदुस्तान संगीत के संगीत में बात करें तो वो बनेगा आपका सा गा पा, ठीक है। अगर वेस्टर्न में बात करें, वेस्टर्न में अंग्रेज़ों के म्यूज़िक के माध्यम से बात करें तो वो बनेगा आपका सी ई जी, ठीक है। तो ये आपका कोड बन गया, इसको हम कोड बोलेंगे, ये तीन वाला कोड है, ये कोड हो गया आपका। इसको हम जगह, अगर हम तीन बटन को साथ में दबाएंगे ना, ये देखिए ऐसे, तो ये आपका कोड बन गया, इसको हम कोड बोलेंगे, ठीक है। अभी इसी कोड को, इसी खाली एक सिंगल कोड को ना, सी वाले कोड को, अगर मैंने जो आपको पहला कोड बजा के दिखाया, तो इसी को हम बजाएंगे। इसको बजाने के भी चार पांच तरीके हैं। एक तो ये तरीका है, तो देखिए इसको बजाने का ये भी तरीका है। अगर बजाना चाहूँ तो मैं इसको ये भी बजा सकूँ, ये कोड है ना, आप देखिए इसको मैं ऐसे भी बजा सकता हूँ, यानी कि ये जो जी मैंने यहाँ पे लिया था वो मैं नीचे वाले ऑक्टेव का भी जी ले सकता हूँ, ऐसे भी बजा सकता हूँ, ठीक है। इसको बजाने के बहुत तरीके हैं, मतलब कि स्वर वही रहेंगे, सी वही रहेगा, यानी कि सा वही रहेगा आपका, गा भी रहेगा, सर स्वर शुद्ध ही रहेगा, बट आप बजा कहीं भी किसी भी ऑक्टेव से सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला जो स्केल, सी स्केल के अकॉर्डिंग आपका, आप ऐसे करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, ये आपका पहला कोड हो गया, पहला जो सी के अकॉर्डिंग जो आपका कोड बना वो बना सी ई जी, जिसको हम बोलते हैं सी ई जी बना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं दूसरे स्केल जो है डी आपका, अभी बात करेंगे इस स्केल के माध्यम से डी, इसका कोड क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि बात कर रहे हैं मेजर कोड्स की, मेजर कोड्स में हमेशा जो पैटर्न रहेगा, ठीक है, वो रहेगा तीन दो का पैटर्न, यानी कि तीन बटन दो, तीन दो का पैटर्न रहेगा। अभी तीन दो का पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ, ये देखिए, अभी मैंने पहले क्या बताया था आपको, तीन वाला सी का कोड बताया था सा गा पा, सी ई जी। तो अभी आप देखिए इसमें मैंने क्या किया, एक दो तीन, तीन बटन छोड़ के, यानी कि पहला पकड़ा, फिर उसके बाद तीन बटन छोड़ के चौथा पकड़ा, ये देखिए इसमें तीन बटन छोड़ दे, एक दो तीन, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, दो छोड़ दी, एक दो, तो इसमें तीन दो का पैटर्न रहेगा, ठीक है, तीन दो, पहले तीन छोड़े, एक दो तीन, पहला पकड़ा, तीन छोड़े, फिर चौथा पकड़ा, फिर चौथे के बाद दो छोड़े और फिर ये पकड़ा, ठीक है, तीन और दो का पैटर्न। हर एक मेजर कोड में, कोई भी मेजर कोड है, दुनिया का कोई भी मेजर कोड है, चाहे वो मैं डी मेजर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो ई मेजर की कर रहा हूँ, चाहे मैं एफ मेजर की कर रहा हूँ, जी की कर रहा हूँ, ए की कर रहा हूँ, बी की कर रहा हूँ, सी की कर रहा हूँ, तो पैटर्न क्या रहेगा, तीन दो का पैटर्न रहेगा, ठीक है, तीन दो का पैटर्न, ठीक है। अभी हमने निकाला सी का मेजर कोड, अभी हम निकालेंगे डी का। तो ये आपका डी था, मैंने कहा था सा रे, ये आपका डी है। अभी डी का मेजर कोड क्या है, ये देखिए, तो मैंने कहा था तीन दो का पैटर्न लगाना है, तो डी को पकड़े, इसके बाद तीन छोड़ दो, एक दो तीन छोड़ दिए, चौथा को पकड़ा, ठीक है, फिर दो दो छोड़ने, एक दो, तो ये आपका डी मेजर हो गया, ठीक है। तो ये आपका डी मेजर कोड हो गया, पहला था सी मेजर, अब डी मेजर निकाल लिया, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसको फोल्ड कर लेते हैं, हम ऐसे रख लेते हैं, आपको याद रहेगा, इसको हटा देते हैं। तो देखिए पहला कोड क्या था, सी मेजर, तो जिसमें मैंने पैटर्न बताया तीन दो का, तो एक दो तीन छोड़े, फिर दो छोड़े, तो ये आपका सी मेजर। अभी ये हमारा डी है, तो डी मेजर वाला, तो तीन छोड़े, एक दो तीन, तीन छोड़े, फिर दो छोड़े, तो ये आपका डी मेजर। अभी मुझे ई मेजर बनाना है, ई मेजर कोड कैसे बनेगा, तो ई देखिए, ये आपका ई है, देखिए सा रे गा
गा के नीचे ई है, तो ये आपका ई है। तो अभी यहाँ से हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से भी आपका ये 3-2 का पैटर्न अप्लाई होगा, मेजर कोड है 1 2 3। ये आपका कितना आसान तरीका है। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ 3 कोड बताऊंगा, सी डी ई, और आपको क्या करना है, आपको बाकी के कोड खुद से निकालने, एफ जी ए बी सी। ठीक है, ये आप खुद से निकालेंगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी। मैं आपको 3 पैटर्न सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर मैंने ये देखिए ई निकाला, तो ई में भी मैंने 3 बटन छोड़े, 1 2 3, फिर बाद में 2 छोड़े। अगर मैंने एक एफ निकालना होगा, तो एफ में भी यही सेम रहेगा तरीका, 1 2 3, फिर 2 छोड़ दी। तो अभी मैंने आपको 4 कोड बता दी, सी डी ई एफ। आप क्या करोगे, ये जी ए बी, ये कोड आप खुद से निकालोगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको गाना बताता हूँ। ये भी देखो, पहला कोड तो सी था, तो सी में गाना कैसा निकलता है, एक प्यार का नगमा है, तो उसमें ये कोड लगेगा सी मेजर। ठीक है, अभी डी मेजर में गाना, अभी मुझ में कहीं, तो उसमें ये डी मेजर कोड लगेगा। जब आप ये कोड निकालना सीख जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ लगने लग जाएगी, क्योंकि जब आपको ये पैटर्न समझ आ जाएगा ना कि कोड कैसे बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आने लग जाएगा कि कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, गाना वही गाना मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, इस स्केल से भी निकाल सकता हूँ सेम गाना। अगर देखिए मैंने अभी इसको निकाला, एक प्यार का नगमा है, तो यहाँ से भी निकल सकता है। देखिए, एक प्यार का नगमा है, तो ये देखिए मैंने स्केल से भी निकाल लिया। हर एक स्केल से गाना निकाल सकते हो, बस पैटर्न वही रहेगा कि मेजर कोड जब भी आपको अप्लाई करना है, तो पैटर्न रहेगा 3-2 का पैटर्न। ठीक है, तो आज मैंने आपको सिर्फ एक यही मेजर कोड बताया है। ठीक है, खाली मेजर कोड आज हम बात करिए, बताने को मैं सभी बता सकता हूँ, आप उलझे ना, कन्फ्यूज ना हो, तो इसलिए मैंने सिर्फ आज खाली मेजर कोड बताए हैं। कल हम बात करेंगे, आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे माइनर कोड्स के ऊपर। ठीक है, तो आपका क्या काम है, मैंने आपको 4 कोड बता दिए, सी डी ई एफ। आपको क्या करना है, आपको काम है जी ए बी निकालना है। ठीक है, आपको मेरा ये वीडियो अगर दिक्कत आए, तो पॉज कर लीजिए, चाहे रिवाइंड कर लीजिए उसको, ये चीज़ को समझ के आप खुद से कोड निकालिए। ये वाला मैंने 4 कोड बता दिए आपको, एक मैंने बताया सी बताया आपको, डी बताया, ई बताया, एफ बताया, आपको निकालने ये वाले 4 कोड, 3 कोड। ठीक है, तो आप ट्राई करें, अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करिएगा। ठीक है, तो जल्दी आपके लिए अगला वीडियो भी लेके आऊँगा। शुक्रिया, धन्यवाद।